हेलो दोस्तों, सक्सेस विद सोहेल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सोहेल, मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आई टी बी पी कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट तक मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो अभी तक वैकेंसीज नहीं आई है, जैसे कि आपकी बार्बर और आपका कुक और मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वीपर, ठीक है, इन सब की वैकेंसीज नहीं आई है। इस बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। जैसे कि हमने RTI लगाई थी, RTI का रिप्लाई क्या आया है, ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कितना संतुष्ट हूँ मैं इस भर्ती से, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं इस भर्ती से ना के बराबर भी संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी इस वैकेंसी से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि फ्यूचर में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि ओनली जनरल और SC की भर्ती आई है। देखिए, जनरल और SC से हमें मतलब नहीं है, हम लोग ये नहीं कहते कि हमें दिक्कत है उनसे, नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, जो OBC वाला है, क्या वो भारत में नहीं रहता? क्या वो भारत में नहीं रहता, क्या ये बताइएगा आप? क्या OBC वाला भारत में नहीं रहता? OBC की वैकेंसी आनी चाहिए। एक बच्चे का आया था कि हम लोग कोर्ट केस कर सकते हैं क्या इस भर्ती पर, एक बच्चे का कमेंट आया था कि हम लोग कोर्ट केस कर सकते हैं क्या इस भर्ती पर, तो यस, बिल्कुल आप लोग इसमें कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आखिरकार कोर्ट केस आप लोग किस भी हो पर करोगे, आप लोग बोल सकते हैं कि सर हम OBC है और OBC क्या अब इस भारत के नागरिक नहीं है? अगर हमको वैकेंसीज नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हक में एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस पर कोर्ट केस कर सकते हैं। चलिएगा, आखिरकार बार-बार ये सब की वैकेंसी कब आएगी, आखिरकार क्या RTI का जवाब आया? मेरे प्यारे बच्चों, जो जवाब आया है वो आया फुल नोटिफिकेशन में, बोला गया कि आप लोग जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें देख लेना, ठीक है, किसकी वैकेंसी आएगी और किसकी नहीं आएगी। क्या चांसेस बन रहे हैं? बिल्कुल चांस लग रहे हैं मेरे को कि शायद उसमें वैकेंसी देखने को मिले एक दो ट्रेड की, अन्यथा इसमें ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा नहीं देखने को अगली बार मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं पिछले वाली वैकेंसी का। उसमें मेरा, मैं खुद अपना बताऊं, 41 स्कोर था आउट ऑफ 50, 50 में से मेरे प्यारे बच्चों मेरा 41 का स्कोर था, और मैं खुद आपका फिज़िकल रिटर्न, आपका मेरे प्यारे बच्चों ट्रेड टेस्ट और मेडिकल में मैं DV, ठीक है, DV मेरा क्वालिफाई था मेरे प्यारे बच्चों। मेडिकल में मैं अनफिट था, मेडिकल में मैं अनफिट हो गया था, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में अनफिट थे वैसे तो है नहीं, लेकिन मेडिकल में अनफिट इन्होंने कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वो अब देख लेंगे, ठीक है, उसे बात में भी उस पर भी चल रहा है अभी मैटर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हैं कोर्ट केस, आप लोग इसमें कोर्ट केस कर सकते हो इस भर्ती पर, ठीक है। एक बच्चा जैसे कि बोला गया था, तो हाँ बिल्कुल आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बात आती है कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेसर क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सिलेक्शन का इसमें फिज़िकल होता है सबसे पहले, फिज़िकल के मेरे प्यारे बच्चों रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपका DV होता है, सॉरी, रिटर्न के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका DV होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, DV आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, और DV होने के बाद आपका मेडिकल होता है, और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेडिकल होने के बाद जो फाइनल मेरिट लगती है, क्या फाइनल मेरिट जो लगती है उसके बिहेव पर सिलेक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, इतना ही था आज के लिए जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी, और इसमें हाँ एज का बड़ा बच्चों का प्रॉब्लम है OBC का। मेरे प्यारे बच्चों, OBC के जितने बच्चे हैं जिसकी 18 से 23 है, 18 से 23 है, कलर चेंज कर लेता हूँ, जिस भी बच्चे की 18 से 23 साल है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 18 से 23 साल है, वो OBC का भी इसमें भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जनरल में काउंट हो जाएगा। और बात करते हैं फीमेल की, मेरे प्यारे बच्चों फीमेल की जो है 18 से 25 है इसमें,
अगर आप लोग 25 तक है तो आप लोग बिल्कुल इसमें भर सकते हो, आप लोग चाहे किसी भी कास्ट के हो, ठीक है, फीमेल के लिए। चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस भर्ती से तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, मैं बिल्कुल भी इस भर्ती को नहीं मानता हूँ। ऐसी छोटी मोटी ये बदतमीजी वाले काम है और कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये बदतमीजी वाले काम है और कुछ भी नहीं है। हम क्या OBC वाला क्या देश का नागरिक नहीं है क्या? उसने इस देश के लिए बलिदान नहीं दिया? चलेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा ना बातें करते हुए यहीं पे मैं होल्ड करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों, करते रहिए तैयारी और फाइनल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करिए। ओके भाई, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।